तो बिल्कुल उस चौंक च पहुँच चुके हैं जिथे पंजाब पुलिस के वलों खास तौर पर पहरा दिता जाता है और बिल्कुल उस तरह के नाल JCB लाइया हुई ने उस तरह के टिप्पर लाए हुए हैं पर एक रस्ता खाली छड्या होया दो रस्ते जरूर बंद कर दिते जाते हैं एक रस्ता छड्ड दिता जाता आ रस्ता छड्या होया ये रस्ता जथे दे लंघन वास्ते है जानी इउं भी कह सकते हैं थोनों अगे तस्वीरां दे विच कुछ समझाउण की कोशिश करते हैं कि इधर वड्डी नफरी पंजाब पुलिस की है तो सामने चंडीगढ़ पुलिस की है जानी जदों तो कलैश वापरिया तो दोवां प्रशासनां दे वल्लों किते ना किते एहतियात के तौर पर अपनी तैयारी तो मुकम्मल की जाती है और उस तैयारी के चलदे ही ये वड्डी नफरी जिहड़ी है ये पंजाब पुलिस की है और दूजे पासे चंडीगढ़ पुलिस के वल्लों है चंडीगढ़ पुलिस के वल्लों भी वड्डी तैयारी की जाती है तो जथा जिहड़ा है वो इस रस्त्यों क्योंकि सिंगल लाइन बना दी जाती है और इस रस्त्यों जथा एंटर कर जाता है और उस तो बाद हुण तस्वीर के जरिए एक चीज़ समझ की कोशिश करो तस्वीर के जरिए समझ की कोशिश करिए कि इत्थे पंजाब पुलिस है ये पंजाब पुलिस इधरले पासे तो बैरीगेटिंग है प्रॉपर बैरीगेटिंग है और इधर पंजाब पुलिस का घेरा इनू ए कह सकते हैं आप इधर पंजाब पुलिस का घेरा है तो दूजे पासे की तस्वीर तुहानू दिखाने कि चंडीगढ़ की पुलिस का घेरा जिहड़ा चंडीगढ़ की पुलिस का घेरा दिखाने तुहानू वो सामने चंडीगढ़ पुलिस है जानी उन्होंने वालों तो क्लीयर है कि असी अगे नहीं जान देना तो जेकर ये एहतियात के तौर पर समझ सकते हैं मान सकते हैं कि जेकर उस दिन 8 तरीक वर्गा दोबारा उदा का कुछ वापरद कलैश हों तो जानी जेड़े सिंह ने जो लोग ने उन्होंने उधरली पुलिस भी काबू कर सके और इधरली पुलिस भी जानी उस दिन जिस दिन वापरिया उस दिन पंजाब पुलिस का एडा वड्डा घेरा नहीं सी उस दिन एडा वड्डा घेरा नहीं सी पर हुण पंजाब पुलिस का घेरा जिहड़ा वह वड्डा जानी सेंटर दे विच बिठा लिया जांदा है सेंटर दे विच बिठा लिया जांदा है कि जेकर कलैश वापरद तो इधरों सारे पासे चार दीवारियां ने और दूजे पासे लंघन वाला रस्ता जिहड़ा उन्हूं पंजाब पुलिस कवर करती है तो सामने वाला रस्ता चंडीगढ़ पुलिस कवर करती है जानी वध तों वध बंदे जिहड़े ने उन्हां नूं काबू किया जा सके तो कुछ इस तरह की स्ट्रैटजी भी इहनूं मन सकते हैं केड्डी वड्डी नफरी देखो पंजाब पुलिस नाल तां रौला कोई नहीं पंजाब पुलिस तां बकायदा तौर पर लंघाउंदी है बैरीगेटिंग जरूर की है लंघा देंदे आ जानी उन्हां नाल कोई रौला नहीं पर जेकर कुछ इदां दा वापरदा तां फिर पंजाब पुलिस जानी एक्शन ते आएगी उस तो बाद जानी पंजाब पुलिस चंडीगढ़ पुलिस की मदद करेगी उन्हां लोकां नूं काबू करन दे लई इस जत्थे दे विच जो शामिल ने जानी इहनूं इउं मन्निया जा सकदा है तो संगत रवाना हो चुकी ने बकायदा तौर पर जोड़ा वेरीफाई किया गया नाम बोले गए और जदों ये सारा वेरीफाई हो जाता तो उदो फिर रवाना कर दिते जाती है ये जैसे रवाना कर दिता जाता तो जथा रवाना हो चुका है बकायदा तौर पर और लिस्ट लैके सिंह अगे अगे चलते हैं और एक सिंह अगवाई दे चुने जाता है जो अज अगवाई दे अवतार सिंह होर नाम जोड़ा है वो अगे लिया गया और प्रक्रिया उही रहन वाली है कि अगे चौंक ते जाया जाएगा फिर उस पॉइंट ते पहुँचा जाएगा जिथे कलैश वापरिया जिथे चंडीगढ़ दी हद शुरू हुंदी है उत्थे बैरीकेडिंग है उस बैरीकेडिंग ते जाके सिंह बैठ जाएंगे गुरु का जाप करनगे और ये वड्डी गल है कि 8वां दिन है अज 8वां जथा जिहड़ा है वो CM हाउस वल नूं रवाना हो रहा है पर हाले तक सरकार दे वल्लों गलबात का कोई सद्दा नहीं दिता गया ना ही कोई चर्चा छिड़ी है तो ना ही कोई हाले संभावना नज़र आउंदी है तो ये सब तो वड्डी गल है और क्योंकि जो एडा वड्डा कलैश वापरदा जो दिल्ली किसान मोर्चा भी लगता सी तां गलबात दा दौर चलते रहिंदे सी गलबात दे दौर नहीं टुटे गलबात चलती रही और 26 जनवरी तो बाद जरूर कुछ समय के लिए डेडलॉक आया पर उस तो बिना डेडलॉक तो बाद गलबात हुई और सीधी अनाउंसमेंट सरकार दे वल्लों हुई कि 3 खेती कानून वापस हो गए पर इत्थे गल ये है कि पंजाब सरकार दे वल्लों हाले तक किसी तरह का कोई बुलावा नहीं
सरकार दे वल्लों किसी तरह के नाल भी नैगोसीएशन दे लई गलबात नहीं तोरी गई है। तो मोर्चे के आगुआ के वलों यही कहा जाता है कि असी तो फिर जत्था डेली भेजांगे, साडी प्रक्रिया है। जत्था 31 सिंघां दा ही होएगा, 32वां कोई शामिल नहीं होएगा और यह जिम्मेवारी मोर्चा लैंदा है कि साडे वल्लों किसी तरह की कोई पहल नहीं होएगी और प्रशासन भी कुछ अजिहा ना करे जिदे नाल किसी वड्डी घटना दे वापरन की कोई उम्मीद बनती होवे। तां ये सारा कुछ जिहड़ा है वह चल रहा सी। तां कुछ सिंघ ने असी गलबात भी करन की कोशिश करांगे। बाबा जी, जदों किसानी मोर्चा चलता सी तां गलबात दे दौर जरूर चलते रहिंदे सीगे, किसानां नूं बुला लिया, गल हो गई, मीटिंग सिरे चढ़दी है जां नहीं चढ़दी बाद दी गल है, घट्टो घट्ट टेबल ते सरकार बहिंदी सी, पर इत्थे तां मामला उल्टा है। इह सरकार दी नलायकी है। देखो, सारी सरकार बैठी है चंडीगढ़ दे विच, गवर्नर बैठा, सीएम बैठा, तो अपनी असैम्बली भी इत्थे है जी, सारा प्रशासन बैठा है, पर इत्थे गल करन साडे नाल नहीं आ रहे, क्योंकि साडियां चार मंगां बिल्कुल जायज़ सच्चियां सुच्चियां मंगां, तो इन्हों पता नहीं क्यों डर लगता, समझ नहीं आती, ये साड़ी गल क्यों नहीं सुनना चाहते, तो ये तो इन्हों पता होना जी। नहीं, बिल्कुल पता तो उन्होंने होएगा, पर गल है भी कुछ समझ तो होना चाहिए कि आगुआ के समझ च आ रही है गल के सरकार क्यों नहीं। देखो, जज साहब ने हुक्म किए हुए ने SSP साहब को प्रोडक्शन फ्रंट से लैके आओ, इतने आप केस शुरू करना है, पर सरकार तो प्रशासन हाले तक कोई कार्रवाई कर नहीं रहा और अठवां दिन ये साढ़े बंदी सिंघा सानू परेशान करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, जेड़े प्रोडक्शन मंडक जेड़े केसा च आए हैं उन्होंने केसा भाई साहब भाई हवारा सिंह हवारा साहब जी बरी हो गए लाजमी, क्यों? देखो, 25 साल हो गए उस केस नू, ना कोई गवाह ना कोई गल है, ये जान के उन्होंने स्टैंड रखना चाहते केसा भी असी ताकि केस खड़े रखीए भी असी बहाना लभीए ना जी, हल्ता केस चलते हैं जी, असं कोई गल नहीं सकते। तुम्हें लगता है ये सारी इनवॉल्वमेंट पंजाब सरकार की होगी या केंद्र सरकार वालों भी किसी ना किसी दबाया गया होगा? हो सकता पंजाब सरकार किसी मजबूरी के अंदर हो। दोनों सरकार कट्ठिया जी, दोनों सरकार इस घ्यो खिचड़ी है, एक मिक है, इस पॉलिसी को ही उन्होंने इस सलाह करके दोनों आस कर दी जी। तो सीधे तौर पर दोहां सरकार कितना कित रंज है, दोहां सरकार नाराजगी है। देखो, सीधा सीधा मामला भावें केंद्र सरकार के नाल है कि कौमी सिंह उन्होंने वालों रिहा किए जाने, पर पंजाब सरकार के नाल रौला इन्ना का है कि प्रोडक्शन वरंट से जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा होरां नूं लैके आना है, जानी तिहाड़ तो मोहाली लैके आना है, और मंग यह है कि प्रोडक्शन वरंट से लियाओ, मामला शुरू करो, और जां उन्हां नूं चंडीगढ़ रख्या जाए जां रोपड़ रख्या जाए, दिल्ली दे विच रखण दा कोई तुक नहीं बनता। यही डिमांड है, इसे डिमांड नूं लैके जथा निकलता है, पर सरकार वालों कोई गलबात नहीं होंदी, तां इह रांझा लगातार तुहानू दिखा रहे हैं जथे दीआं तस्वीरां कि 31 सिंघां दा जथा एक बार फिर तो रवाना होया और ये जथे दे वल्लों उस प्रक्रिया के तहत उत्थे पहुँचा जाएगा और इस तरह के नाल जाप जिहड़ा लगातार चलता रहेगा। सत नाम वाहे गुरु, 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 सत नाम वाहे गुरु,